अगर केरला में ये सब इतनी घटनाएं हुई हैं तो उसके बारे में क्या राज्य सरकार ने उसके बारे में इस तरह की घटना ना है उसके बारे में कोई विचार किया, कोई सोचा आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी घटनाएं केरल में हो रही हैं, क्यों वायनाड में यह घटना हुई? और इसका एक बड़ा कारण, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसका बड़ा कारण एक और है जहां अतिवृष्ट बारिश का कारण है लेकिन उसके साथ साथ अभी हमारे शिवाजी ने कहा डिफॉरेस्टिंग एक बड़ा एक कारण है, लेकिन अगर वहां जो अवैध कब्जे और अतिक्रमण उस क्षेत्र में हुआ है अगर उस पर समय से कार्रवाई की जाती राज्य सरकार उसमें अगर कार्रवाई करती तो इस घटना से बचा जा सकता था। अभी हमारे एक साथी ने जॉन प्लीज प्लीज मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको, लेट अस कन्वर्ज ऑन समथिंग पॉजिटिव प्लीज प्लीज, मैं उसी पे आ रहा हूं, बचा जितनी जानों को बचाया जा सकता था प्लीज। इसके साथ साथ अभी हमारे एक साथी ने रडार और अन्य चीजों के बारे में बात की। सभापति जी, एक व्यवस्था है देश में, हर क्षेत्र हर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुना जाता, पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि घटना पुरानी भी बताई हमारे रहीम साहब ने, 5 वर्षों तक लगातार वायनाड ने भी अपना सांसद चुनकर भेजा। सुनिए सुनिए प्लीज सर, आई अलाउड प्लीज, आई अलाउड एवरीवन टू से, नाम तो नहीं लिया किसी का भी, वन सेकंड टेक योर सीट ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, वन सेकंड टेक योर सीट ऑनरेबल मेंबर्स, सजेशंस हैव बीन मेड फ्रॉम एवरी साइड, द ऑनरेबल मेंबर रहीम मेड वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस, ऑल दी सजेशंस आर इंडिकेटिव दैट सच काइंड ऑफ सिचुएशंस डू नॉट अराइज, so if the honorable member is saying something he is entitled to say so, please go ahead sabhapati ji, sir again you are sitting and talking, please sorry I take serious note of it, please honorable member, kyunki sansad hone ke nate wayanad ke jo sansad rahe halanki unhone aaj aaj us samay जब वायनाड की जनता को कंटिन्यू नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ऑनरेबल मेंबर, बेहतर होता कि उन 5 वर्षों में सांसद रहते हुए जो वायनाड की कमियां थी, पूरे देश के बारे में तो उन्होंने घूम घूम कर अन्य बातें की लेकिन वायनाड की जनता की जो समस्या थी उसको सदन में उठाने का काम करते, प्रधानमंत्री जी से मिलते तो इन 143 जानों को बचाया जा सकता था। और आज दुर्भाग्य देखिए, एक जनप्रतिनिधि जिस वायनाड की जनता ने इस विश्वास के साथ एक सांसद को चुनकर बेचा कि हमारे सुख और दुख में जब कोई घटना होगी वो हमारे साथ खड़ा होगा, वहां से इस्तीफा देकर भागने का तो काम किया लेकिन आज इस दुखद समय में वायनाड की जनता के बीच इतनी 3 दिन की घटना होने के बाद उन्होंने जाने का भी काम नहीं किया और वह आज तक गए रहे और आज वो दूसरे विषयों पर तो इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन वायनाड की जनता के साथ वो आज जाकर उनका दुख बांटने का काम भी नहीं कर पा रहे। कंक्लूड, तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि इस घटना की सभापति जी जांच भी होनी चाहिए कि इसका कारण क्या था, इसकी जांच भी होनी चाहिए, आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं। श्री राम जी, श्री प्लीज टेक योर सीट, नथिंग इज गोइंग, श्री राम जी, थैंक यू मान्यवर, श्री राम जी प्लीज प्लीज, और साथ ही वन सेकेंड आई रिफ्लेक्ट ऑन दिस,